दोस्तों, मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच एक बहुत अच्छी खबर आई है। अभी जो इंडिया में दो कोरोना वायरस की वैक्सीन्स बन रही हैं, एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविडशील्ड। दोस्तों, इन दोनों इंडियन मेड वैक्सीन्स को इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिल गई है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है इन दोनों कोरोना वायरस वैक्सीन से। दोस्तों, अभी रिसेंटली जब इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी इन दोनों वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो उसके साथ एक न्यूज़ आई, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये इंडियंस के लिए, कि ये जो हमारी वैक्सीन्स है इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ने लगी है। दोस्तों, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इन वैक्सीन्स के यूज़ में आते ही इनको लेना चाहती हैं, अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगाना चाहते हैं। उसमें पहला नंबर आता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि हम इंडिया से वैक्सीन खरीदेंगे। दूसरा नाम है इसमें बांग्लादेश का। तो दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम जुड़ गया है कजाकिस्तान का। इंडिया में जो कजाकिस्तान के राजदूत हैं, उन्होंने अभी बोला है कि इंडिया में प्रैक्टिस में आते ही इन वैक्सीन्स को हम अपने देश के लिए प्रोक्योर करेंगे और अपने नागरिकों को ये वैक्सीन दी जाएगी। इंडिया में जो दो वैक्सीन्स बन रही हैं, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन की। तो दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुई है, इससे काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है हमारे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और मेक इन इंडिया के अभियान को। दोस्तों, इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि इंडिया साइंस के एरिया में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और लोगों को अब इंडिया पे काफ़ी भरोसा होता जा रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, साथ के साथ एक चीज़ और है, इन वैक्सीन्स पर बाहर के लोगों को भरोसा है, यानी इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ हैं उनको इन पर भरोसा है, लेकिन हमारे देश में रहने वाले जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं या और भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनको इन वैक्सीन्स पर भरोसा नहीं। कोई कहता है मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, कोई कहता है कि ये वैक्सीन्स प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है, तो हम इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया किस तरफ आगे बढ़ रहा है, लोगों को इस पर काफ़ी भरोसा हो रहा है। और दोस्तों, वर्ल्ड वाइड इंडिया धीरे धीरे लीडर बनते जा रहा है, खासकर वैक्सीन्स में। वैक्सीन में ऑलरेडी इंडिया का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडिया सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।